खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। खरी खरी न्यूज आज से एक स्पेशल प्रोग्राम स्क्रीन बोर्ड के तौर पर लेकर आ रहा है। स्क्रीन बोर्ड पर हम दिखाएंगे कि डेली एक खबर को हम फ्लैश करेंगे जो उस दिन की चर्चा होगी। इस नोटिस बोर्ड प्रोग्राम के तहत हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में उस दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे खास खबर क्या है। उस खबर के हम तह में जाएंगे, उस खबर का विश्लेषण करेंगे, उस खबर के इम्पैक्ट के बारे में आपको बताएंगे। आज जननायक जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 24 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। अजय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जेजेपी की यह पहली बड़ी नियुक्ति है। जब हम जेजेपी की सूची की तह में गए तो इसमें दो बड़ी चीजें हमें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात सूची की यही है कि दुष्यंत चौटाला की सियासत वो सिर्फ जाट वोट बैंक पर अटक कर रह गई है। जी हाँ, हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, इस जो सूची है 24 जिलाध्यक्षों की, उसमें साफ तौर पर जाहिर है कि दुष्यंत चौटाला जाट वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं डर गए हैं, इसलिए पार्टी के संगठन के बदलाव में 24 में से 15 जिलों में जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, जेजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो जाट वोट बैंक पर सिमट कर रह गई है और 15 जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जब हम ऊपर से शुरू करते हैं, पंचकुला में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जींद में, सोनीपत में, रोहतक में, हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में, यहां तक कि गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जाट नेताओं को दी गई है। कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला को यह डर हो गया है कि जाट वोट बैंक उनसे खिसक रहा है, इसलिए जाट वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए दुष्यंत चौटाला ने जाट नेताओं को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, जाट नेताओं पर भरोसा जताया है। जाट नेताओं को ज्यादा प्रमुखता देने के चक्कर में कहीं न कहीं पार्टी का, जेजेपी का बैलेंस खराब हो गया है। दूसरी बात इस संगठन को लेकर यह है कि अजय चौटाला ने यह कहा था कि पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन को भंग किया गया था। इस सूची को जब हमने देखा, जेजेपी की जब आज की सूची को हमने देखा, तो जिलाध्यक्षों की सूची में एक बड़ी बात और यह थी कि मजबूती के नाम पर 15 जिलाध्यक्षों को बदल नहीं पाए, या यह भी कह सकते कि 15 जिलों में जननायक जनता पार्टी को या दुष्यंत चौटाला को बदलाव के लिए मजबूत चेहरे नहीं मिल पाए। जी हां, 15 जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को रखा गया है, वहां पर नए चेहरे जेजेपी को नहीं मिल पाए, यानी कि संगठन को मजबूती देने की कवायद अधूरी रह गई। जब आपके पास मजबूत चेहरे नहीं हैं, तो आप मजबूत संगठन कैसे खड़ा कर सकते हैं, और इसलिए मजबूरी में 15 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया। इस सूची की तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दुष्यंत चौटाला को अहिरवाल के नेताओं पर भरोसा नहीं है, अहिर नेताओं पर भरोसा नहीं है। जी हां, सबसे बड़ी बात जेजेपी के संगठन की यह है कि इस पूरी सूची में एक भी जिले में किसी अहिर नेता को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पिछले संगठन में महेंद्रगढ़, रिवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में तीनों जिलाध्यक्ष अहिर नेता थे। महेंद्रगढ़ में रमेश पारडी अध्यक्ष थे, रिवाड़ी जिले में रमेश रामफल कोसलिया जिलाध्यक्ष थे, और गुरुग्राम में सुबे सिंह वोहरा जिलाध्यक्ष थे। लेकिन बदलाव की सूची में तीनों का पत्ता काट दिया गया। तीनों ही नेताओं ने संघर्ष के समय दुष्यंत चौटाला का साथ दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही दुष्यंत चौटाला के लिए संघर्ष के ये साथी नकारा हो गए हैं। जी हां, अहिरवाल को खाली छोड़ना, अहिरवाल की सीटें सत्ता का फैसला करती हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को अहिर नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए किसी एक भी नेता को दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के जिलाध्यक्षों की 24 जिलाध्यक्षों की सूची में एक भी अहिर नेता को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। तो यह कह सकते हैं कि अहिरवाल को लावारिस छोड़ दिया है, अहिरवाल के नेताओं को, अहिर नेताओं को दुष्यंत चौटाला, भरोसा उन पर नहीं है दुष्यंत चौटाला को, इसलिए एक भी जिलाध्यक्ष अहिर नेता नहीं बनाया गया है, और जो पहले के तीन नेता थे उनको हटा दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सूची में सिर्फ एक महिला अध्यक्ष को, सिर्फ मंजू सैनी को, सिर्फ महेंद्रगढ़ की कमान सौंपी गई है। जो महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने का जो दावा दुष्यंत चौटाला करते हैं, दुष्यंत चौटाला और रीना चौटाला ने यह कहा कि 50% हिस्सेदारी चाहिए, पंचायतों में 50% हिस्सेदारी की कवायद चल रही है, लेकिन जेजेपी के संगठन में महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है।
तो संगठन की जब सूची को हमने पूरी गंभीरता से देखा तो जेजेपी की इस सूची को हम 10 में से सिर्फ 2 नंबर देंगे। जी हाँ, बदलाव के तौर पर, कम्बिनेशन के तौर पर, जातीय हिस्सेदारी के नाम पर कहीं ना कहीं जेजेपी की सूची में बैलेंस नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ और सिर्फ जाट वोट बैंक को निशाने पर रखकर, लक्ष्य पर रखकर यह सूची बनाई गई है और इसीलिए 24 में से 15 जाट नेता जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ साथ आपको ये बता दूं, इसके अलावा सिरसा और करनाल जिलों को मिलाया जाए, दोनों जगह जाट सिख नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर इनको भी अगर हम जाट नेताओं के साथ जोड़ें तो ये संख्या 17 हो जाती है। जी हाँ, जेजेपी के 24 में से 17 जिलाध्यक्ष जाट या जाट सिख बनाए गए हैं। तो दुष्यंत चौटाला जाट वोटरों को साधने के लिए जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने एक दावा किया था कि अपने परदादा प्रेरणा पुरुष चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलेंगे, उसी तरह से 36 बरादरी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जेजेपी के जिलाध्यक्षों की सूची बता रही है कि दुष्यंत चौटाला का दायरा सिर्फ और सिर्फ जाट वोट बैंक पर अटक कर रह गया है और यह जेजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर आप 36 बरादरी को साथ लेकर चलने के दावा करते हैं तो आखिर क्या मजबूरी थी कि 24 में से 17 जिलाध्यक्ष जो है सिर्फ जाट कम्युनिटी से बनाए गए? क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे कि दुष्यंत चौटाला को अहिरवाल के यादव नेताओं पर भरोसा नहीं है और तीनों अहिर नेताओं को हटाकर गैर अहिर नेताओं को जिलाध्यक्ष बना दिया गया? अहिरवाल में इस अनदेखी के कारण अहिर नेताओं में काफी गुस्सा है और यह गुस्सा आने वाली सियासत में दुष्यंत चौटाला के लिए नुकसानदायक रहेगा। खरी खरी न्यूज के लिए नोटिस बोर्ड के प्रोग्राम में कुलदीप शिवराणी।